हाय गाइज, यार कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कॉमन एक तरह से गोल्ड फिश जो कैटर डिजीज होती है वो बताने वाला हूँ, एंड इनको कैसे ठीक करना है। एक कॉमन इजी ट्रीटमेंट आपको वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो एक प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगा आपको मैं इस वीडियो में। एंड आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे भाई आपसे कि अभी अप्रॉक्स मेरे 530 सब्सक्राइबर 535 सब्सक्राइबर के आसपास हो गए हैं, एंड इस साल मेरे को आप लोग 8000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करा दीजिए। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो जो बचे हुए 470 सब्सक्रिप्शन बचे हुए हैं यार, आप लोग कर दो सब्सक्राइब चैनल को, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये टारगेट अचीव हो सके। एंड आप लोग वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा तेज़ी से हमारा ये टारगेट हम लोग अचीव कर लें। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हमारी गोल्डफिश को होता है, जो मेरी गोल्डफिश को भी 3-4 साल पहले हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ, वो है भाई वाइट स्पॉट्स। देखिए, वाइट स्पॉट्स को हम लोग इच भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पूरे फिश की बॉडी पे वाइट वाइट डॉट्स आ जाते हैं। एक तरह से बोल सकते हो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, एंड अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो 3 दिन से लेकर 6 दिन में हमारी फिशेज की डेथ हो जाती है। तो इसको ठीक करने का उपाय सिंपल है। आपको जैसे ही आप स्पॉट करते हो गोल्ड फिश टैंक में, ऐसे तो हीटर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये कोल्ड वाटर फिश है, बट जब आप स्पॉट कर लेते हो यहाँ भाई इच या वाइट स्पॉट हो गया है, तो हीटर का टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री पर करके एक्वेरियम सॉल्ट डाल दीजिए। बहुत ईजी तरीके से 3-4 दिन में ये अपने आप चला जाएगा, एंड आपकी फिशेज एकदम बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर जाएंगी। दूसरा प्रॉब्लम होता है गोल्ड फिश में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है फिन रॉट का। अब देखिए, फिन में बर्न्स आ जाना, जो अमोनिया बर्न्स के कारण होता है, एंड फिन रॉट अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे फिन्स पे गोल्ड फिश फिन्स पे ब्लैक स्पॉट आ रहा है तो ये फिन रॉट है। देखिए, इसको सिंपल तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पकड़ना है। तो अगर नॉर्मल कलर चेंज हो रहा है तो आपके फिश का बिहेवियर एकदम नॉर्मल रहेगा। फिन्स पे कलर ब्लैक होगा बट फिश का बिहेवियर एकदम नॉर्मल रहेगा, आपके फिश सुस्त नहीं पड़ेगी। बट अगर फिन रॉट होता है तो आपके जो फिश का बिहेवियर है वो सुस्त पड़ जाएगा, ऊपर से जो फिन्स है वो टूटने लग जाएंगी ब्लैक होकर, समझे ना। अमोनिया बर्न्स में क्या होता है कि फिन्स टूटते नहीं हैं, सिर्फ ब्लैक होते हैं, एंड फिश थोड़ा सा परेशान लगती है। नॉर्मल कलर चेंज में फिश एकदम परेशान नहीं होती है, फिन्स सिर्फ ब्लैक होते हैं, बट फिन रॉट में फिन्स ब्लैक तो होते हैं साथ में टूट जाते हैं। तो फिन रॉट को पकड़ना है तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसको कैसे ठीक करना है, भाई ब्लैक होकर टूट रहे हैं, तो इसका सिंपल है भाई, देखो ये इन्फेक्शन हो चुका है, फंगस इन्फेक्शन है, तो एक एंटी फंगल मेडिसिन आती है शॉप में, अब वो प्लस एक्वेरियम सॉल्ट प्लस एक्वेरियम हीटर का इस्तेमाल कीजिए। 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, फिन रॉट को हफ्ते भर में आप ठीक कर लीजिएगा। तीसरा प्रॉब्लम है स्विम ब्लैडर का, जिसमें हमारी जो फिशेज होती हैं वो उल्टा पुल्टा तैरने लगती हैं। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बोलूँगा तो होता है भाई पानी गंदा होना। ज़रूरत से ज़्यादा गंदा पानी होने पे हमारी फिशेज को ये इन्फेक्शन लग जाता है। तो इसको ठीक करना है तो क्या करना चाहिए, आपको अपने टैंक में एक्वेरियम सॉल्ट डाल देना है, जिससे आपकी फिशेज को एक तरह से 2-3 दिन तक आपके धीरे धीरे करते आपकी फिशेज का जो पेट है ना वो खाली हो जाएगा। तो एक्वेरियम सॉल्ट डाल देना है, हीटर का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, 30 डिग्री पे सेट कर दीजिए 28 पे, एंड 2-3 दिन तक कोई खाना पीना मत दीजिए। आपकी फिश जब धीरे धीरे सही हो जाएगी एंड प्रॉपर तरीके से स्विम करना शुरू कर देगी, तो आपको उसको पहली बार फीड देना है 2-3 दिन बाद, एंड फीड में आपको देना है मटर। मटर को उबाल के फीड करना है, उसके बाद आप नॉर्मल फिश फूड उनको खिला सकते हैं। तो स्विम ब्लैडर हो गया थर्ड डिजीज। फोर्थ है ड्रॉपसी। ड्रॉपसी में क्या होता है, आपके फिश का जो एब्डोमेन होता है ना वो स्वेल हो जाता है। ये भी एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, कोई पैरासिटिक नहीं है। तो ड्रॉपसी को ट्रीट करना है तो सिंपल है, एक्वेरियम सॉल्ट, एक्वेरियम हीटर एंड साफ पानी इसका इस्तेमाल कीजिए। 2-3 दिन में ये फिश ठीक हो जाएगी, बट अगर नहीं होती है तो ड्रॉपसी से कभी कभी फिश को रिकवर कराना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। फिफ्थ जो आपको बताऊंगा भाई, ये इस प्रॉब्लम से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा झेल चुका हूँ, एंड बहुत ज़्यादा एक तरह से बोलूँगा खतरनाक प्रॉब्लम है ये, किसी के एक्वेरियम में नहीं है मैं तो ये बोलता हूँ। ये है एंटर वॉर्म्स। देखिए, एक तरह होती तो ये पैरासिटिक है, सिंपल सा ये चीज़ जैसे होता है उस तरह के भी पैरासिटिक में होती है, बट इसका सबसे ख़राब चीज़ क्या होता है कि ये अगर जैसे ही आपकी एक फिश होती है ना, ये बहुत तेज़ी से अंडे देती हैं, एंड अगर आपने उसको जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया, एक तरह से मारा नहीं उस एंटर वॉर्म को अपने टैंक से, तो ये 8 से लेकर 1000 तक कब फैल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, एंड आपकी सारी फिशेज में 4-5 ठो एक ये हरी हरी घास की तरह होती है, फिश के अंदर घुस जाती है और अंदर से ब्लड सक करती रहती है, धीरे धीरे आपकी फिश को मार देती है 3 से 4 दिन में। बहुत दर्दनाक होता है ये। मेरी फिशेज को 2 बार हो चुका है, मतलब हर साल होता क्या था कि मैं बरसात के टाइम पर जब भी नई फिश डालता था, तो आप अगर बरसात के टाइम पर गोल्ड फिश लेने जाओगे तो आपको दिखेगा कि स्पेशली वहाँ सबके टैंक में, ज़्यादातर अगर ब्रीडर अच्छा नहीं है किसी भी कारण से, तो सबके फिशेज में, गोल्ड फिशेज में ये एंटर वॉर्म्स लगे होते हैं, एंड हम वहाँ से जब अपने टैंक में ला के डालते हैं इनको प्रॉपर बिना क्वारंटाइन किए, तो ये हमारे टैंक में अंडे देते हैं, एंड फिर एक फिश से मल्टीपल फिशेज पर ये अलर्ट जाते हैं।
और भाई उसके बाद जो आफत मस्ती है ना, मैं क्या बताऊँ। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने शुरुआत में, मुझे पता ही नहीं था, कोई यूट्यूब पर वीडियो डाला ही नहीं है इसका, कि एंकर वॉम को कैसे ठीक किया जाए। तो इसका सिंपल तरीका, बहुत लोग बोलते हैं एक्वेरियम सॉल्ट लगाओ, बहुत लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का बाथ दो, भैया देखो ये सब काम नहीं करता एंड वो हटती नहीं है, धीरे धीरे आपकी फेशियल मर जाती है। तो इसको ठीक करना है तो सिंपल तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, पैरासिडॉल एक मेडिसिन आती है, ऑफलाइन भी मिल जाता है एंड ऑनलाइन भी मिल जाता है। पैरासिडॉल वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मैं देख चुका हूँ भाई, एंड सच बता रहा हूँ, मैं कोई ये वीडियो में कोई स्पॉन्सर ही सब नहीं कर रहा है, छोटा सा चैनल ही क्या स्पॉन्सर करूँगा, मतलब एक अंदर से बता रहा हूँ ना, कि जब हमारी फिशेज बीमार होती हैं एंड हम उनका ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाते हैं, परेशान होते हैं, ये दवाई ट्राई किया, वो दवाई ट्राई किया एंड फिश भाई ठीक ही नहीं हो रही, एंड दिन पे दिन आपकी डेली एक फिश दो फिश मरती जा रही है, तो बहुत अंदर से बुरा लगता है। उस टाइम पे हम बेचैन रहते हैं कि कैसे ठीक किया जाए। तो ये पैरासिडॉल एक वन शॉर्ट सोल्यूशन मैं आपके लिए बोलूँगा, कि अगर एंकर वॉर्म्स है ना भाई, डायरेक्ट डालना शुरू कर दो, हर दिन डालो सुबह शाम, 2 से 3 दिन में आपकी फिशेज के ऊपर से ये एंकर वॉर्म हट जाएंगे। एंड देन ऑल्सो आपको पूरा 5 दिन या 7 दिन डालते रहना है, और जो बॉट्स होता है उस पर लिखा रहता है 1, 2, 3 दिन लगातार, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, भाई 7 दिन में सारे अंडे भी खत्म हो जाएंगे एंकर वॉर्म्स से, दोबारा वापस ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। बट अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि एक तो ये प्रॉब्लम गोल्डफिश में ही होती है जल्दी, बाकी फिशेज में नहीं होती है, एंड बरसात के टाइम पर कभी फिश मत लाना, बरसात में गोल्डफिश लाओगे तो एंकर वॉर्म का प्रॉब्लम 100% आ जाएगा, तो मत लाना, मैं नहीं लाता। तो ये तो फिफ्थ प्रॉब्लम हो रही, एंड लास्ट प्रॉब्लम है माउथ फंगस। भाई देखिए, इस पर कॉटन लाइक ग्रोथ हो जाता है आपके फिश के माउथ के ऊपर, ये भी एक तरह से बोल दो फंगल इन्फेक्शन है। तो एक्वेरियम हीटर, एक्वेरियम सॉल्ट प्लस एंटी फंगल मेडिसिन आप डाल दो, ठीक हो जाएगा, 3-4 दिन लगेगा, पानी थोड़ा साफ रखना एंड रेगुलर वाटर चेंज करते रहना इस ट्रीटमेंट के दौरान, तो ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाती है। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में, पहले से वीडियो अप्रॉक्स 7 मिनट की हो चुकी है, तो मैं और लंबी नहीं करना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एंड एक चीज़ और मैं आपको जाते जाते याद करा दूँ, ये जो टारगेट है हम लोग का 8000 सब्सक्राइबर का, इसको प्लीज़ ध्यान में रखिए एंड जल्दी से जल्दी हमें अचीव करा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।